So, hey guys, welcome back to another gameplay video. तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं Hello Neighbor. तो हमने पिछली बार Hello Neighbor Act 2 complete किया था. उसमें हमने अंकल के actually basement से निकल के उनके घर से escape कर दिया था हमने. तो आज देखते हैं कि आज क्या होने वाला है Act 3 में. Anyways, तो हम अपना game start करते हैं. Okay. जहाँ तक लगता है अभी हम अपने घर में हैं, लेकिन चीज़ें कुछ बदली बदली से लग रही है. यहाँ पे चीज़ें काफ़ी वैसे अलग हैं. एनीवेज यहाँ पे क्या है, फ्रिज में देखते हैं क्या है. खाने को है कुछ, एक सेब पड़ा हुआ है. मुझे नहीं लगता हम इसे खा पाएंगे. एनीवेज वैसे मुझे लगता है मैं कहीं और हूँ, कि यहाँ आसपास काफ़ी बिल्डिंगें दिख रही है मेरे को. और यहाँ पे ये हमारा टॉयलेट है. और क्या है इधर, वैसे मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ है इधर. एक अलमारी पड़ी है, एक टीवी पड़ी है. एक मिनट, दरवाजे में आवाज़ आई. ओके, तो एक लेटर आया है हमारे पास. इसमें है क्या? ऑलराइट, उसमें कुछ लिखा तो है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है. और मुझे लगता है काफ़ी साल बीत चुके हैं जब से हम अंकल के घर से एस्केप किया है हमने. तब से लेकर अब तक काफ़ी टाइम बीत चुका है, क्योंकि जो बच्चा उस समय था वो काफ़ी बड़ा हो चुका है. और मुझे लगता है वापस अपने घर जा रहा है शायद से किसी वजह से. एनीवेज हाँ यार, काफ़ी साल बीत गए हैं. मेरे ख्याल से 10 या 12 साल तो बीत चुके हैं जब से हम उन अंकल के घर से बाहर निकले हैं. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल. और शायद हम वहाँ पे वापस जाने वाले हैं. ऑलराइट, ओके, तो शायद ये वही जगह है, मतलब वही पुराना घर है. खैर यहाँ ओके, हमारा घर है कौन सा? अच्छा ये वाला है. ओके गाइस, तो काफ़ी सालों बाद हम अपने घर वापस आए हैं. और लगता है हमारे घर में अब कोई रहता नहीं है. और ये वाला अंकल का घर हुआ करता था. भाई इसकी क्या हालत हो गई, ये तो खंडर बन गया. एक मिनट, फिर से कट सीन आया. एक हेलो, इट्स मी. ये क्या है, ये शैडो जैसा क्या था पीछे? कुछ तो हो रहा है. ओके, मुझे वैसे पता नहीं चला हुआ क्या यहाँ पे, लेकिन हमें इसे चक्कर आने लग गए. और ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा, यहाँ पे ताला लगा है. चाबी यहीं कहीं होगी. ओके, चाबी ये रही, इसे उठा लेता हूँ. और घर के अंदर फ़ोन बज रहा है, वो भी खोलना पड़ेगा. क्या बोला तूने? उठाना पड़ेगा मतलब. ऑलराइट, और हम अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए. क्या हुआ, इसे कुछ दिखा क्या बाहर? एनीवेज पहले फोन उठा लेता यार, फोन बदला कब से. Hello, it's me. ये शैडो जैसी चीज फिर से दिख रही. ये है क्या चीज? शैडो जैसी चीज है थी क्या? ऑलराइट, ओके. ये कैसी आवाज है?
लग रहा है ये सपना देख रहा है। ओ भाई हाँ ऑफ कोर्स ये सपना ही देख रहा था वो। एक सेकेंड ये यहाँ पर ये तो घर टूट फूट का खंडर बन चुका था, ये कहाँ से आ गया है? और एक बार घर को देखो यार भाई, ऐसा घर प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी? जा पूछ क्या यार, पिछले गेम से ज्यादा खतरनाक घर बना दिया अंकल ने तो। अब इसमें अब दिक्कत होने वाली है भाई मेरे को। एनीवेज अपने बैग में देखते हैं क्या। ओके एक दूरबीन है, इसे ले लेता हूँ, अंकल के घर झांकने के काम आएगा। ऑलराइट ओके अंकल अपने घर के बाहर बैठे हैं टॉर्च लेके। अंकल हेलो अंकल, कैसे हो? काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं हम। ये तो बताओ किडनैपिंग का धंधा क्या चल रहा है आपका? अंकल हैं मेरे को इग्नोर मार रहे हैं। ये मुझे इग्नोर क्यों मार रहे हैं? गजब बेइज्जती है। अच्छा नहीं वैसे जरा मुझे चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी यार। मुझे वैसे पता तो है मेरे को अंकल के घर जाना है, पर जाऊँ कैसे? ओके अंकल अब चले गए हैं वहाँ से, पहले अंकल वहीं बैठे हुए थे। ओके तो मुझे इस स्टोर के अंदर जाना है। ऑलराइट अंकल तो नहीं है इधर। ओके तो मुझे एक क्रोबार चाहिए और किसी तरह का की का चाहिए यहाँ से जाने के लिए। एनीवे इस तरफ चलते हैं, इस तरफ क्या है? यहाँ पे एक लिफ्ट जैसा कुछ है लेकिन ये बंद है, इसे मैं खोल नहीं सकता। और यहाँ पे एक दरवाज़ा है पीछे जिसमें एक सेकेंड जिसमें एक ग्रीन की लगनी है जिससे मैं दरवाज़ा खोल पाऊँगा। एनीवे यहाँ से ऊपर चलते हैं। ऑलराइट एक सेकेंड यहाँ पे ये बंद हो रखा है तो उस साइड जाने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए होगा, पर तब तक यहाँ ऊपर देखता हूँ यहाँ पे क्या है। ओके तो यहाँ पे मुझे एक ब्लू की चाहिए जिससे मैं इसे खोल पाऊँ। ये कैसी आवाज़ है? और एक ये पेंटिंग जैसा कुछ है, हो सकता है इसके पीछे कोई सीक्रेट रास्ता हो। ऑलराइट एक बार यहाँ पे कूदना है। अरे यार कूद क्यों नहीं रहा है? एक इन मैं यहाँ पे कूद के स्लैम के ऊपर चढ़ जाऊँ किस तरह से? ओके मैं लैम्प के ऊपर चढ़ गया हूँ, मुझे बस इस तरफ सलाम मारनी है। ऑलराइट तो मैं दूसरी साइड आ गया हूँ और मुझे बस लीवर खींचना है जिससे दरवाज़ा खुल जाएगा। एनीवेज मैं बाद में देखूँगा वो, पहले इस तरफ चलता हूँ। ओके तो यहाँ पे भी कई सारे कमरे हैं और ये यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तो है। थोड़ा आगे जाके देखते हैं आगे क्या है। ये दरवाज़ा बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, तो मेरे पास कोई चॉइस है नहीं, मुझे यहीं जाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ जाने के लिए यहाँ से कूदना पड़ेगा कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊँ। ओके मैं पहुँच गया। ओके तो इसके पीछे एक रास्ता है, सामने लीवर नीचे कर दें। ओके तो इस पेंटिंग के पीछे कोई रास्ता तो था पर मेरे पास कुछ है नहीं फेंकने के लिए, ये उठा के फेंकना पड़ेगा और क्या। मुझे डाउट है यहाँ पर निशाना लगेगा मेरा यानी। अरे यार ये पेंटिंग ही अटक गई, रुको लग जा। अरे यार इससे कुछ नहीं होगा, मुझे दूरबीन मार के फेंकनी ये मारना पड़ेगा इस पर। ओके और रही यहाँ पे पूरा एक कमरा खुल चुका है। अच्छा ये कुर्सी की वजह से ये जो ये है ना ये मतलब दरवाज़ा नहीं खुल रहा था यहाँ पे। ऑलराइट पेंटिंग का फ्रेम भी नहीं चाहिए मेरे को। और ये मुझे यहाँ पे मैग्नेट जैसा कुछ मिला है। ओके शायद इसकी मदद से मैं चाबी ले लूँ, यहाँ पे चाबी है। ऑलराइट अरे मैंने दोनों क्यों फेंक दिया, मैं पागल हूँ। ओके चाबी कहाँ है?
चाबी से मैं दरवाज़ा खोल दूंगा, यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे क्या है। कुर्सी को इधर फेंको, खुल जा सेम सेम। ओके तो अंकल ने यहाँ पे पूरे कैमरे लगा रखे हैं। एक काम करते हैं, कैमरे बंद कर देता हूँ, बस ये खुल नहीं रहा दरवाज़ा, ये उस साइड से बंद होगा। ओके मुझे एक मैगनेट मिला है और एक चाबी मिल गई है, और यार मुझे अभी तक पता नहीं चला यार ये पेंटिंग के पीछे का रास्ता निकलेगा कैसे। एनीवेज बाद की बात में देखेंगे, पहले इसे ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे जाके चाबी लगाते हैं फटाफट से, इससे पहले अंकल आ जाए। ओके ये चाबी लगाई, दरवाज़ा खोला और ओके तो ऊपर एक दरवाज़ा है जिसमें लाइट जल रही है अजीब सी, और यहाँ पे एक खिड़की है, तो मैं एक मिनट, यहाँ पे एक छाता भी है, इसे ले लेता हूँ क्या पता काम आ जाए। ओके सो यहाँ पे एक लीवर है शायद जिसकी वजह से मैं ऊपर पहुँच पाऊँगा, इसे नीचे करता हूँ पहले, तो नीचे हुआ एक सेकंड, मेरे ख्याल से ऊपर चढ़ा गया मैं अभी, क्या कर रहा हूँ। ओके ओके चेयर क्या कर रही है इधर, चेयर को मैं इधर फेंकता हूँ, मुझे क्या है कि ये लीवर है जो ये उसे ऊपर करना है, यहाँ से मुझे फिर कुछ फेंक के मारना पड़ेगा तभी ये ऊपर हो पाएगा। और राइट ये फेंक के मार तो हो जाएगा यार, ये कि सोफ़ा आगे आ रहा हूँ तो इसकी वजह से हो नहीं रहा हो। व्हाट द हेल, कुछ तो लग जा। और राइट ओए हो गया हो गया हो गया हो गया, मैं ऊपर आ गया। और राइट गाइज तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, अब देखते हैं दरवाजे के पीछे है क्या। ओके थोड़ा टाइम लगा लेकिन मैं आ गया, ये क्या चीज़ है। ओके तो ऊपर कुछ सिंबल जैसा बना हुआ है, अगर मैं खड़ा रहूँगा तो कोई मुझे देखेगा, अगर मैं बैठ जाऊँगा तो आंखें बंद कर साइन दिखा रहा है, तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे ट्रॉली को लेके जाना है और नीचे बैठे रहना है जिससे कोई मुझे कोई देख ना पाए। और आगे अरे यार मैं ओके तो आगे कई सारे रोबोट जैसे घूम रहे हैं और मैं शायद किसी ग्रोसरी स्टोर में हूँ, और मुझे लगता है मुझे यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कुछ करना है। एनीवे से आगे ले जाता हूँ। ओके तो मुझे इन सब से बचना है, इन सब से बचने के लिए मुझे नीचे बैठ जाना है। ओए कोई आया, मुझे आवाज़ सुनाई दी पता नहीं कहाँ से। ओके तो यहाँ पे कुछ पड़े हैं सामान तो उठा लेता हूँ नीचे नीचे जाके। ऑलराइट मैंने एक चीज़ तो ले ली है, एक येलो कलर का कुछ पड़ा है ये भी उठा लेता हूँ, आराम से जाना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता इनका ध्यान मेरे पे जाए। और राइट मैंने दो चीज़ें तो उठा ली हैं। ओके तो मेरे पे दो सामान हो गए हैं, शायद मुझे ट्रोली भर दी है सामानों से, और कुछ है इधर उठाने के लिए। ओके यहाँ पे कुछ है, ये अचार जैसा, इसे ले लेता हूँ एक। ओके और क्या है इधर, पहले ये डाल देता हूँ। अरे यार पकड़ लिया उसने मेरे को यार, वो कोई बात नहीं मेरे पे एक सामान है अभी, पहले एक काम करता हूँ सामान इकट्ठे कर लेता हूँ तब ट्रोली ले जाऊँगा। ओके भैया मुझे डरा क्यों रहे हैं। ओके मैंने दो सामान और ले लिए हैं, और कुछ है क्या इधर लेने के लिए। ऑलराइट ये क्या चीज़ है। ओके तो मैंने तीन सामान ले लिए हैं, जल्दी से अपनी ट्रॉली के पास चलता हूँ और वहाँ जाके रुक जाऊँगा। ओके 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 मैंने चार पांच सामान उठा लिए हैं, पता नहीं क्या क्या उठाया है, अब लेके चलते हैं इसे, जल्दी चल। अरे यार एक सामने से आ गया, अरे मेरे को तो
मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए। बस निकल जाइए मेरे सामने से। ओके ओके ओके, गया 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 गया, जल्दी चल जल्दी चल जा। ओ भाई मैं बच गया। यार इनसे बचना कितना मुश्किल है, जल्दी चल। अरे यार पकड़ लिया उसने मेरे को। एनीवेज अब मुझे भाग के जाना पड़ेगा यार, क्योंकि मेरी टोली काफी आगे निकल चुकी है। भाई रुक, ट्रॉली पता नहीं कहाँ चलेगी यार, मेरी आगे चलेगी पूरी ट्रॉली। ओके मैं पहुंच गया। अरे क्या हो गया, मैं ट्रॉली का सामान। अरे यार ओके एक लास्ट सामान था, एक और सामान था यार, कहाँ गिरा वो मेरा। ओके एक और सामान था मेरा, मुझे मिल नहीं रहा है। ऑलराइट यही था, ये मेरा पांचवा सामान था, यही गिर गया था। हाँ ये रहा, मुझे अब मिला वो गिरा हुआ सामान। जल्दी चल, मैं नहीं चाहता फिर से मेरे पीछे आ जाए। ओके मेरी ट्रॉली पहुंचने वाली है वहाँ पे काउंटर में। ओ शायद फिर ये गेट खुलेगा और मैं निकल जाऊँगा। अरे कहाँ है ट्रॉली, अरे तो धक्का देके। ओके ये ले जल्दी चेक कर, मुझे जाने दे अब। ओके देखते हैं। अच्छा ओके ओके भागना यहाँ से अब भाई, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। पता नहीं क्या था यार ये, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हो थैंक गॉड मैं निकल गया यहाँ से अब। पता नहीं क्या था यार ये। ओके तो मैं यहाँ से वापस आ चुका हूँ और यहाँ पे कुर्सी लगी है जिसे यहाँ फेंक देते हैं। इधर देखो मैं बाद में आऊँगा, सबसे पहले मैं यहाँ से वापस चलता हूँ। कुर्सी को दौरे लग गए यहाँ पे। ओके ऑलराइट वहाँ पे एक पेंटिंग है यार, से खोलने की कोशिश कर रहा था मैं, खुली नहीं। कुछ उठाना पड़ेगा मुझे मारने के लिए वहाँ पे। कुर्सी उठा लेता हूँ, यहाँ कहीं ना कहीं तो कोई लीवर जैसा कुछ तो होगा पेंटिंग को हाथ खोलने के लिए। मैंने मारा था, खुला ही नहीं। ऑलराइट ओके तो पेंटिंग ही स्विच थी। तो फाइनली जो हमारा पीछे का रास्ता है, मतलब पीछे का नहीं ये खुफिया रास्ता है, ये खुल चुका है। और ये जगह जाती कहाँ है, यानी यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हैं, पहले फेंको यहाँ से नीचे जा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऑलराइट ओके तो यहाँ पे बाहर का रास्ता है, यहाँ पे बाहर का नहीं बोलेंगे मतलब टूटा हुआ रास्ता कोई है, पता नहीं क्या है ये। ओके तो एक कुर्सी यहाँ लगी है, इसे फेंक देते हैं और यहाँ देखते हैं क्या है। ऑलराइट ओके तो मैं ऊपर आ गया हूँ घर की छत के, शायद घर की छत में ही आया हूँ क्या। नहीं यार मैं, हाँ ऐसे ही कुछ समझ लो। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता हूँ, यहाँ देखता हूँ क्या है। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है, दरवाजे जा रहा है जो खुल नहीं रहा। और यहाँ पे एक रूम है। ऑलराइट ओके यहाँ पे कुर्सी लगी है, पहले से हटाता हूँ यार। ओके भाई यहाँ पे कितने कमरे हैं यार, मैं तो परेशान हो गया। ओके तो यहाँ पे एक दरवाजा है,
ये क्या हुआ, ये खुला क्यों नहीं? एनियत मुझे क्या, मैं यहाँ से नीचे जाऊँ क्या? छाता खोल के जाता हूँ कि गिर जाऊँगा। ओके एक सेकेंड, ये तो वही जगह है यार। अबे भाई जब मैंने वहाँ पर खोला तब खुला नहीं, जैसे मैं नीचे आया तब खुल गया वो दरवाज़ा। वाह ऊपर बिजली का, उसमें शायद एक क्रोबार लगा है। अरे इधर चमक क्यों रहा है एक क्रोबार? ओके ओके तुमसे क्रोबार मिल गया है, मैग्नेट लेता हूँ। एक मिनट ये ऐसे क्यों नहीं आ रहा, क्या मैं इसे हाथ से पकड़ सकता हूँ? ओ भाई ये तो गर्म है बहुत। ओके मैं समझ गया गर्म है, मुझे इसे पानी से ठंडा करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ क्रोबार लेता हूँ अपने साथ, ले जाता हूँ बाहर। ओके ओके तो सबसे पहले इसे जाके मैं ठंडा करता हूँ पानी में और फिर जाके दरवाज़ा खोल देंगे। ओके पानी का है, खुल जा। यहाँ पे अपना क्रोबार डालते हैं। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे पकड़ के रखता हूँ ना, ऐसे ठंडा हो जाएगा वो। हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ठंडा हो रहा है क्रोबार। ऑल राइट ओके तो क्रोबार जो है हमारा वो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे आराम से दरवाज़ा खोल लूँगा, पानी बंद कर देते हैं। पानी वेस्ट करना बुरी बात है, बुरी बात है। ओके यहाँ पे सेफ पड़ा है, कोई बात नहीं, सेफ से अंकल के घर के शीशे तोड़ने के काम आएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे यार अंकल आने इधर से, क्या करूँ मैं भाई, मुझे दरवाजे में जाना था यार, ये अंकल गलत टाइम पे आ गए। ओके कोई बात नहीं, तब तक एक बार पीछे जाके देखता हूँ मैं अंकल के घर के। यहाँ पर तो सीढ़ियाँ हुआ करती थी ना। ओके एक सेकेंड यहाँ पे कुछ तो है, ये लीवर जैसा, ये कहीं उसी लिफ्ट का लीवर तो नहीं है? लग तो रहा है, मार के देखता हूँ मैं यहाँ पे। अरे लग जा सही जगह, लग जाना। अरे यार ये हिल रहा है। अरे यार कुछ तो हुआ नहीं, मेरा पोपट अलग बन गया। एक काम करता हूँ ये लगाता हूँ वहाँ पे, यहाँ पे चढ़ते हैं। ऑल राइट ओके तो मेरा हाथ पहुँच सकता है इधर, और मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। अब एक बॉक्स उठाता हूँ, इनकी खिड़की तोड़ता हूँ और अंदर जाता हूँ। अरे अंकल आ गए, अंकल आ गए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऊपर। ऑल राइट मेरे ख्याल से अंकल को चले जाना चाहिए अब। ओके अंकल ट्रैप लगा के चले गए भाई, यहाँ से ऊपर चलता हूँ सीधा। ओ भाई ये सीढ़ियाँ तो पता नहीं कहाँ जा रही है मेरे को ऊपर एकदम। ओके यहाँ पे एक हो रहा है। ऑल राइट ओके यहाँ पे पत्रियाँ हैं जिन जिन पे यहाँ पे बंद हो रखा है, मतलब ये लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं जैसे बंद हो रखा है। और यहाँ नीचे क्या है ज़रा देखूँ तो, यहाँ पे एक दरवाज़ा है नीचे की तरफ। भैया दरवाजे कहाँ कहाँ बना रखे, कौन है, किसने बनाया ये घर? जा पूछ क्या। ऑल राइट तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके तो मुझे ट्रेन स्टार्ट करनी है किस तरह से ताकि मैं वो ब्लॉकेज हटा सकूँ पटरी के आगे से, और शायद मुझे यहाँ पे छाते की जरूरत पड़ेगी। ओके वहाँ पे एक छेद जैसा मुझे कुछ दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार वहाँ पे जाके देख के आऊँ। ओ भाई मैं ज़्यादा ऊपर आ गया। ओके 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 मैं सही जगह पहुँचा हूँ, पहले एक बार यहाँ से एक बार, अबे थोड़ा उतरना नीचे। ओके ओके तो ट्रेन के कंट्रोल हैं, मैं यहाँ से ट्रेन स्टार्ट कर सकता हूँ आई होप। ओके तो मुझे बटन दबाना है, दरवाज़ा खुलेगा? ऑफकोर्स नहीं खुलेगा, मुझे यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। तो मैंने ट्रेन स्टार्ट कर दी है, तो जितना भी ब्लॉकेज है रास्ते में लगा हुआ पटरियों के वो खुल जाना चाहिए, और मैं यहाँ से चलता हूँ इस तरफ और यहाँ से वापस अंदर चलते हैं। अंकल तो नहीं होंगे? अरे अंकल आ गए। अरे मेरा, अरे अंकल नहीं, अरे यार मेरा पैर से फट गया, उन्होंने वहां पे वो लगा रखा था ट्रैप। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद?
ओके तो यहाँ पे शाम हो गई है और मुझे ऊपर जाना है यार। ओके अंकल फिर से यहीं से आ रहे हैं। मैंने क्रोबार का काम भी तो नहीं किया अभी। एनीवेज वापस उस साइड से चलते हैं यार, ट्रैप ना वहाँ पे दोबारा से फिर से लगा हुआ वरना गंदा ही सीन हो जाएगा फिर से। अरे यार कांच ठीक कर दिया इन्होंने। एक काम करते हैं आके खिड़की तोड़ रहा हूँ, अंकल यहाँ पे पक्का आएंगे। अंकल मैं तो मजाक कर रहा था मैंने। अरे जाने दो। अरे यार मेरे पीछे पड़े हुए भाई, पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्रोबार का काम कर देता हूँ जल्दी से। क्रैप अंकल आने वाले हैं। अंकल तू नहीं आ रहे यार। अंकल नहीं। अरे यार अरे 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 कोई नहीं मैं यहाँ से ऊपर चल जाऊंगा। जल्दी चल जल्दी चल। ओ भाई ये अंकल कैसे आ गए? ओके ओके अभी मैं सेफ हूँ यहाँ, मुझे बस एक की हॉल निकालनी थी। ओके तो यहाँ पे टूट चुका है और एक मिनट इसी ऊपर जाने का रास्ता है मेरे ख्याल से। यहाँ पे नट लगा है और यहाँ पे रेंच पड़ा है, तुम शायद मैं मैग्नेट की मदद से इसे ले पाऊँगा। ओके पहले नीचे बैठ जाता हूँ। अरे आ क्यों नहीं रहा ये? आना तो चाहिए यार कहीं देर से। आ नहीं रहा ये। एनीवेज तो मैं यहाँ से वापस चलता हूँ इस तरफ। ओके तो ऊपर एक रास्ता है, ऊपर जाके देखता हूँ यार ऊपर क्या है। यार चढ़ने की दिक्कत हो रही है मेरे लिए, मुझे हॉट बॉक्स चाहिए। हुई मैं पहुंच गया। ओके तो मैं अंदर आ गया और इन बॉक्सों की मुझे ज़रूरत नहीं है अब। तो यहाँ पे जाके देखता हूँ, यहाँ पे ये तो बंद है, यहाँ पे क्या है? It was at this moment that he knew he fucked up. ओके ओके तो यहाँ पे किसी तरह का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर जैसा कुछ है, इसमें कुछ चाबी जैसा कुछ चिपका हुआ है यार। अरे यार मेरा मैग्नेट भी चिपक गया क्या इसमें? अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ करो ना, कुछ करो ना। मेरा मैग्नेट मेरे हाथ में था, लिटरली मेरे हाथ में था। ऑलराइट तो ये जो मैग्नेट है इसकी वजह से मेरे क्रोबार और बाकी चीजें चिपक रही हैं, इसलिए मेरे हाथ में आ नहीं रहा है। ओके मैं मैग्नेट पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी नहीं आ रहा, ये भी चिपक चुका है दीवार पे। तो ये सबसे पहले जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्बाइन जैसा जो भी है यहाँ पे, ये मुझे इसे बंद करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे ऊपर की तरफ जाना है कहीं। तो मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि मैं ऊपर पहुँचूँ कैसे। वैसे तो मुझे मैग्नेट की जरूरत थी ताकि मैं सीढ़ी का रास्ता खोल पाऊँ वो रेंच लेके, लेकिन ये चिपक चुका है यहाँ पे और अब मैं कुछ कर नहीं सकता। अब मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा चढ़ने का ऊपर। ऑलराइट गाइस सो मेरा मैग्नेट और क्रोबार यहाँ चिपक चुका है उस मैग्नेटिक टर्बाइन जैसी चीज़ की वजह से, और उसे बंद करने के लिए मुझे यहाँ ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए मुझे ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं उसके ऊपर चढ़ के ऊपर पहुंच सकूं, लेकिन ट्रेन है कहाँ? आई डोंट, ट्रेन मुझे कहीं दिख नहीं रही है। ट्रेन है कहाँ? आगे आगे फाइनली। ओके तो ट्रेन आ गई है फाइनली,
चलिए से बैठते हैं इसमें। इसे पहले रोको फिर रिवर्स में लो। ऑलराइट ओके गुड ओके ट्रेन यहाँ पे मैंने रोक दी है। जरा संभल के रहना पड़ेगा, मुझे इस साइड कूदना है। ऑलराइट हो गया है, बस हल्का सा ऊपर इस साइड पहुंच जाऊं मैं। ओके यहाँ से मुझे ट्रेन के ऊपर जाना है, जो अपना छाता है वो ले लेता हूँ। थोड़ा सा इस साइड ओके वही मैं पहुंच गया। ऑलराइट गाइस तो मैं ट्रेन के ऊपर पहुंच चुका हूं, मुझे बस यहां पे छलांग मारनी है। ऑलराइट ओके गाइस तो मैं पहुंच गया हूं काफ़ी मुश्किलों के बाद। सबसे पहले जो ये रास्ता है ये खोल देता हूं नीचे जाके, ये पहले रेंच उठा लें यहां से। ऑलराइट फिर यहां से ऊपर चलते हैं, कम ऑन ऊपर चल। ऑलराइट देखो मैं यहाँ पे ऊपर पहुँच गया हूँ, एक काम करता हूँ सबसे पहले यहाँ डायरेक्ट ऊपर चलते हैं, यहाँ का काम करते हैं, पहले मशीन बंद करते हैं। और राइट यहाँ पे एक सेकंड भाई, एक घर के छत में खेती कौन करता है भाई, पेड़ ही पेड़ लगा रखे भाई अंकल ने इधर। अरे चढ़ू कैसे यार, एक तो चढ़ भी नहीं जा रहा। वही वही एकदम बहुत आगे पहुँच गया था। और राइट काफ़ी अजीब जगह पे आ गया और मुझे आवाज़ें आ रही हैं आसपास। ऑलराइट मैं आ गया हूँ। अच्छा ये है वो, तो ये मशीन है जिसे मैंने बंद करना है। ऑलराइट ये डालना है किस तरह से इसके अंदर। गया कहाँ? ओके चला गया, मशीन रुक चुकी है। ओके तो मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा जहाँ से मैं आया था। ऑलराइट गाइस मेरा मैग्नेट कहाँ है, मेरा प्यारा मैग्नेट। ओके गाइस तो मुझे मेरा मैग्नेट मिल चुका है, इसे साइड में रख देता हूँ एक बार। और मेरा क्रोबार कहाँ है, क्रोबार का वो एक क्रोबार ये रहा, यहाँ पे कैसे आया। एनीवेज तो मुझे क्रोबार भी मिल चुका है। और दरवाज़ा खोलते हैं। ओके गाइस तो मुझे यहाँ पे ग्रीन की भी मिल चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ग्रीन की उठा ले। ओके तो मेरे पास ग्रीन की भी आ गई है, कि मैग्नेट को मैं अभी यहीं रखता हूँ ठीक है। मैग्नेट मैं तेरे को लेने बाद में आऊँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे को। सबसे पहले नीचे चलते हैं, ये उठाते हैं। यहाँ पे जो ये था ना ये रास्ता खोल देता हूँ मैं, ताकि अगर मुझे बाद में ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से मैं आ पाऊँ। ऑलराइट ये एक काम तो हो गया। देखो जो मेरे पे क्रोबार है ना सबसे पहले उसका काम करता हूँ मैं जाके, वो एक लास्ट कील बची थी बस मुझे वो खोलना है। ओके अंकल ने यहाँ पे पानी लगा रखो, मतलब ट्रैप लगा रखा। अंकल है कहाँ, साउंड आ रही है मुझे। अच्छा भाई ये है भागते भाई, देख भाई आ जा। ओके गाइस किस तरह से मुझे अंदर जाना है यार। अब पहले क्रोबार का काम करूँगा फिर ग्रीन की से वो दरवाज़ा खोलूँगा जो सीढ़ियों के पास है। ओके अंकल साइड में गए हैं, पॉसिबिलिटी है ये आ सकते हैं। यार एक कैमरे है, पहले कैमरे रख के बंद करता हूँ मैं ऊपर, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। अंकल इधर क्या कर रहे थे भाई, करा ली बेइज्जती। ऑलराइट गाइस रात हो चुकी है तो रहने दो फिर। सबसे पहले तो एक कैमरे है अंकल के, ये बंद करने पड़ेंगे मेरे को, वरना अंकल भागते हुए आएंगे अगर मैं जब दरवाज़ा खोल रहा हूँ। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, इनके कैमरे बंद करते हैं। अंकल फिर से इधर ही आ गए भाई, मैं यहाँ से सीधा ऊपर जाना ताकि मुझे देख ना पाए। तो सबसे पहले की वाला काम करते हैं यार, एक क्रोबार का हो नहीं पाएगा मुझे लग रहा है जब तक अंकल यहाँ आए। और राइट ये दरवाज़ा जिसमें मुझे चाबी लगानी है, और ये दरवाज़ा ओपन। ओके तो मैं ग्रीन
जो ताला था मैंने खोल दिया और ये कहाँ आ गया मैं? थोड़ी डरावनी जगह लग रही है मेरे को। और ये रोबोट है इधर, क्रैप। ऑलराइट, शायद मैं समझ गया, मुझे इन रोबोट से बच के छुपना है। जब भी बेल बजेगी, आई होप सो। ओए मैं समझ गया, तो एक मुझे लगता है जब बेल बजती है एक्टिव हो जाते हैं, और जब दूसरी बेल बजती है ये शांत हो जाते हैं। तो मुझे पता करना पड़ेगा दूसरी बेल कब बज रही है। ओके, अभी इधर उधर घूम रहे हैं, मुझे लगता है दूसरे बेल में चुप हो जाएंगे। क्रैप, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पीछे आ रहे हैं। यहाँ पे एक और है क्या जगह छुपने की? छुप जाओ। ओ भाई मैं बार बार बचा, बस हवा निकल गई। ओके, तो ये रोबोट रुक गए हैं दूसरी बैल में, जरा ऑब्जर्व करना पड़ेगा इन्हें। ओके, फिर से मूवमेंट करने लग गए। और रह गए तो ये रुक गए हैं फिर से। मैं सही था। ओके, मैं समझ गया, फिर से बेल बजेगी, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। फिर से बेल बजने वाली है। ओके, अब दूसरी बैल में मुझे वापस भागना पड़ेगा। What the hell? कितना दूर भागना है? यहाँ छुप जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट बैल का इंतजार करना पड़ेगा। भागो भागो भागो। ओ ये रहा एग्जिट डोर। और ओ भाई ये वाला रोबोट तो और भी बड़ा है। हेलो भाई, ये क्या कर रही है? इन्हें मेरे को पकड़ लिया। ऑलराइट, मैंने सब धक्का दे दिया है। ओके, तो किस तरह की एबिलिटी है क्या? एक सेकेंड, क्या मैं अंकल को भी धक्का दे सकता हूँ? बस ट्राई करना तो बनता है, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। सो रहने दें। ऑलराइट, यहाँ पे एक और दरवाजा, एक और की है। पहले वाली जो की है फेंक देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अब। ये वाली की आ जा हाथ में। ऑलराइट गाइड, मैंने ये उठाया, ताला खोला, और ये मैंने पीछे का रास्ता खोल दिया। ओके, तो इस की का भी कोई काम नहीं है अब, मुझे बस क्रोबार का काम है। अरे यार, सबसे पहले तो अंकल का कैमरा बंद करता हूँ यार। ऑलराइट गाइस, तो मैं पहुँच चुका हूँ इनके कैमरे बंद करने। और ये अंकल के हो गए कैमरे बंद। ऑलराइट, अंकल भागो यहाँ से, वो मैंने अंकल को धक्का दे दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, मैंने अंकल को धक्का दे दिया। ओके, मेरा क्रोबार का काम हो गया है, इसे वापस फेंक देता हूँ। अंकल के सर पे मारता हूँ ये क्रोबार। अच्छा, फेंक ही दे दो, जरूरत नहीं है मेरे को। ये रेंच का भी मुझे पता नहीं काम है या नहीं है, बस मुझे की कार्ड चाहिए दरवाजा खोलने के लिए। ऑलराइट, तो मेरा काम हो जाएगा। की कार्ड मिलेगा कहाँ मुझे? पहले चेक करना पड़ेगा अंकल के घर में जाके। ऑलराइट, यहाँ देखता हूँ। ओके, यहाँ पे बर्फ में की का जमा हुआ है, तो इसे गलाने के लिए मुझे कुछ चाहिए होगा, शायद गर्म पानी से हो जाए। ये गैस जलता है क्या? देखना पड़े। ओके, तो गैस जलता है, मुझे गर्म पानी चाहिए, शायद मैं इसमें भर पाऊँगा। अंकल तो यार, अंकल को मैंने फिर से धक्का दे दिया भाई, ये सही एबिलिटी है यार, भर रहा है, अभी तो भर रहा है, तेरे में ही भर जा रहा है।
कोई नहीं, भर जा जरूरत है इसकी। यहाँ पे एक और बाल्टी है, ये भी उठा लूंगा बाद में, इसे यहाँ रख देते हैं। अंकल आ रहे हैं क्या? मैं नीचे बैठ जाता हूँ। ओए अंकल ने देखा नहीं, अंकल ने देखा नहीं मेरे को। ये कैसे हुआ, अंकल ने देखा ही नहीं मेरे को। मिरेकल 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 मिरेकल। ओ भाई ये टेबल ने बचा लिया यार मेरे को। ऑलराइट, ये थोड़ा गर्म हो गया, मैं तो उठा नहीं पाऊंगा यार। ओके थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इतना गर्म क्यों है ये? अरे फंस गया मैं, पानी मारो। अरे यार इस बार नहीं हुआ काम, अंकल ने पकड़ लिया मेरे को। अरे पानी कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ मैं ये। भाई फिर से पानी भरना पड़ेगा। ऑलराइट वापस चलते हैं, ये अंकल मेरा काम बिगाड़ने में लगे हुए यार। ओ भाई नीचे ट्रैप लगा दिया, खुद फंस जाओ ट्रैप में। ले खुद ही फंस गए, अबे भाई कॉमेडी होगी भाई, तो कॉमेडी होगी, खुद ही फंस गया अपने ट्रैप में। ऑलराइट बाय बाय। ओके मैं बाहर आ गया हूँ, पानी कैसे गर्म करूँ? ओके यहीं पे है वो, देखा नहीं उन्होंने मेरे को। अरे देख लिया, अच्छा घूम के अंदर जाता हूँ इनके घर, पानी गर्म करना है मेरे को यार। नीचे छुप जाता है, छुप जाऊंगा। ओए अंकल ने मेरे को देखा नहीं, अंकल मेरे को देख ही नहीं पा रहे हैं। ओके उन्होंने मेरे को देखा नहीं, निकलो अंकल यहां से निकलो भाई, मेरे को देख नहीं पा रहे। ये सही चीज है वे, मैंने पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं चूतिया हूं। अरे यार अरे पानी भी गर्म नहीं होने देते, कहाँ जाऊँ? उनका कैमरा बंद करके आता हूँ यार मैं पहले। हुआ क्यों नहीं ये? ठीक है हो गया बंद। ये तो खतरनाक चीज है, ये मेरे को देख नहीं पा रहे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। मेरे को देख ही नहीं पा रहे भाई ये, कैसे थोड़ा ठंडा होने देता हूँ फिर पकड़ूंगा इसे। पिघल जा पिघल जा भाई, पूरा पिघल जा यार, क्या क्या झेल रहा हूँ तेरी वजह से। ऑलराइट तब तक फिर वापस थोड़ा नीचे झुक के छुप जाते हैं ताकि अंकल ना आए, मेरा काम हो जाए बस। ऑलराइट
पिघल जा पिघल जा, पूरा पिघल जा इस बार। ऑलराइट, तो मुझे की कार्ड मिल चुका है और मैं यहाँ से एस्केप कर सकता हूँ। अब पहले बाल्टी गिरानी पड़ेगी, कुर्सी पकड़ो, यहाँ फेंको, और आई थोड़ा सा डोर खुला है लेकिन काफ़ी नहीं है। क्या क्या पड़ा यार इधर, यहाँ आना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, तो मैं वापस शायद बेसमेंट में पहुंच गया हूँ मैं। ऑल राइट गाइस, तो मैं सही में बेसमेंट में पहुंच चुका हूँ और इस बार यहाँ का पाइप टूटा हुआ है। ओके भैया, गेम काफ़ी अजीब सा हो गया था, वैसे अजीब सा ही है अभी भी, क्या बोले जा रहा हूँ मैं। एनीवेज, ऑल राइट गाइस, तो मैं उसी रूम में पहुँच चुका हूँ जहाँ पर अंकल ने मुझे पिछली बार बंद किया था और ये टूट चुका है। मुझे याद है यार मैं कैसे बाहर निकला था यहाँ से भयंकर। और राइट, ऑब्वियसली दरवाज़ा लॉक होगा, ये तो खोलने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। वो यहाँ पे एक टीवी पड़ी है, इसे बाद में देखूँगा, पहले आगे चलते हैं। आगे क्या है? ओके, यहाँ पे बिजली के तारे तूड़े टूटी हुई है। भाई ये कैसी आवाज़ है भाई, काफ़ी डरावनी आवाज़ आ रही है मेरे को। और राइट गाइस, तो मैं थोड़ा आगे जाके देखता हूँ। ओके मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ। भैया तो वही शैडो मैन है, ये वो शैडो मैन है भाई साहब, ये वो शैडो मैन था यार जो मुझे पहले दिख रहा था वो। और राइट गाइस, तो मुझे यहाँ से जाना है, कुर्सी उठा लेता हूँ, दरवाज़ा खोलो। ओके एक दीवार है, नकली मतलब कच्ची दीवार, अब कूद जा रे। और राइट, अब यहाँ से कहाँ जाना है, तरफ। ओके तो इस साइड जाना है मेरे को, यहाँ पे कुर्सी लगाता हूँ, क्या पता मैं पहुँच जाऊँ। उससे भी अच्छा ये लेता हूँ, ये उठता कैसे ये, मैं इसे पकड़ ही नहीं पा रहा। ओके तो मैं कुर्सी के ऊपर कूद बैठा। ऑल राइट, मैं ऊपर आ गया कूद के, और यहाँ से अब बाहर निकलते हैं। अरे अंकल आ गए, अंकल कैसे आ गए भाई, इधर भागो अंकल भागो। ओए मैंने अंकल को धक्का दे दिया फिर से, और इस बार मैंने अंकल को बाहर ही लॉक कर दिया। अंकल आप इस बार आप आ ही नहीं सकते, और आई होप इस बार वो ताले ना लगे और जैसे एक्ट वन में लगा हुआ था वहाँ पे दरवाजे पे ताला। मैं भागने की कोशिश की थी मैंने। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट, मैं फाइनली, एक सेकेंड, मैं किसी और कमरे में आ गया। ओके तो ये एक्ट, तो ये फाइनल एक्ट है भाई, ये गेम काफ़ी अजीब था। सो ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं इसके फाइनल एक्ट में। आई होप उसमें इतनी कंफ्यूजिंग चीज़ें ना हो, फिर तो हालत ख़राब हो गई थी यार इसमें, मुझे एटलीस्ट 2 दिन लगे इस गेम को ख़त्म करने में। बट एनीवेज, ओके बाय।